अरे अरे, आज मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, कितना मजा आता है ना जब वो घर में अकेले होते हैं ना। हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेते हैं। जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते, जब कोई और ग्रैंड पेरेंट्स घर में कोई भी नहीं होता, तो हमें कितना मजा आता है। हम अपनी मर्जी से टीवी देख सकते हैं, अपनी मर्जी से आईपैड यूज कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है, और वो प्रॉब्लम होती है कि हम खाएंगे क्या। चलो देखते हैं किचन में जाके क्या मम्मी ने कुछ रखा है। देखा जाए तो मम्मी ने कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ एक सूप रखा हुआ है। और प्रॉब्लम बस इतनी सी आती है, हम खेल लेते हैं, हम घूम लेते हैं पूरे घर में, हम पढ़ाई भी नहीं करते हैं, हम सारी चीज़ें कर लेते हैं, गेम्स खेल लेते हैं, अमेजिंग अपना फेवरेट चैनल कार्टून देख लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी आती कि हम खाते क्या हैं, हम खाएंगे क्या, बिकॉज हमें इतनी कुकिंग नहीं आती, राइट। तो क्या ये देखना पड़ता है कि मम्मी ने क्या फ्रिज में रखा, या फिर मम्मा क्या बाहर से ऑर्डर करेंगी। बस इतनी सी प्रॉब्लम आती है, राइट। तो क्या आपने कभी सोचा कि जो हंटर्स एंड गैदरर्स होते हैं, जो पहले के अर्ली मैन थे, उन्होंने अपना फूड कैसे ग्रो किया होगा, या उन्होंने अपने फूड की प्रेपरेशन, या उन्होंने अपने फूड को मैनेज कैसे किया होगा। आज अगर घर पे कोई नहीं है तो या तो मम्मा ने फ्रिज में रखा होगा, या तो मम्मा कुछ बना के गई होंगी, या फिर हमें बोला कि साथ वाली आंटी से या फिर बाहर से ऑर्डर कर लो। तो क्या पहले के लोग बाहर से ऑर्डर करते थे क्या? तो इसी के लिए आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है विद द क्वेश्चन कि फूड कहाँ से आता है एंड फूड उन लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा, राइट। सो हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर हेल एंड हार्टी, यू ऑल आर फिट एंड फाइन। माय नेम इज तानिश शर्मा, आई विल बी टीचिंग यू SST एंटायर हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इन द सिंपलिस्टिक फॉर्म, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद अ ब्यूटिफुल चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। कि मतलब हमने ये जान लिया कि जो अर्ली मैंस थे, जो पहले के लोग थे, जो सबसे पहले लाइफ के अंदर आए थे, हमसे भी बहुत सालों पहले, ठीक है, वो कहाँ रहते थे, वो रियल दे यूज टू लिव नियर द रिवर बैंक्स, वो क्या खाते थे, वो अपना फूड कैसे मैनेज करते थे, क्या वो स्विगी से, जोमैटो से, क्या वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जेप्टो ऑर्डर करते थे, ये छोटी छोटी जैसे हम ऑर्डर कर लेते, क्या वो ऑर्डर करते थे? नहीं, दे यूज टू मैनेज एवरीथिंग। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो मैनेज करते थे और कैसे फूड उनकी लाइफ में आया। बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, फूड से भी पहले, ये जो अर्ली मैंस थे, ये जो लोग रहते थे उस टाइम पे, राइट, जिनको हम तभी तो अर्ली मैंस बोलते हैं। अर्ली मैन क्या होते हैं? जो बहुत पहले लाइफ में आए थे। तो वो क्या करते थे? वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहते थे, उसी जगह में, ठीक है, फूड में क्या खाते थे? वो पिज्ज़ा बर्गर तो नहीं खाते थे, वो एनिमल्स को हंट करके खाते थे, तभी उनको क्या बोलते हैं? हंटर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे लिखो, और बहुत सारे बच्चे अमेजिंग वे में कमेंट्स लिखते हैं जो कि सारे आंसर सही होते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोशिश हुआ तो मैं उनको लाइक ज़रूर करूँगी, तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी, राइट। तो बहुत, अगर हम इस पूरी पर्टिकुलर जगह को देखें तो बहुत सारे जो लोग होते थे वो क्या करते थे? वो एक ही जगह पर रह के अपना खाने का बंदोबस्त कैसे करते थे? एनिमल्स को हंट करके, एनिमल्स को मार के उन्हीं का ही उनको खाते थे, राइट। तो इसलिए उनको बोलते हैं हंटर्स। तो मैम, उनको गैदरर्स क्यों बोलते हैं? गैदरर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये फूड को हंट करके गैदर करते थे, ठीक है। गैदरर्स मतलब कहते हैं ना कि इस बार पार्टी में गैदरिंग ज़्यादा थी। गैदरिंग का मतलब क्या हुआ? कि इस बार पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग थे, तो ये सारे लोग गैदर होते थे। गैदर यानी एक साथ, एकजुट होके, एक छोटी सी फैमिली बना के, ठीक है, हंटिंग करके फूड खाते थे। लेकिन क्या मैम ये बहुत दिनों तक चला? ये कुछ दिनों तक चला, उसके बाद होता है ना, हमें हर चीज़ में चेंज चाहिए होता है। लाइक एवरी ईयर आपकी बुक्स चेंज होती है, एवरी ईयर आप ग्रो होते हो, एवरी ईयर आपकी पसंद चेंज हो जाती है, एवरी ईयर आप क्लास चेंज कर लेते हो, राइट। तो ऐसे ही चेंज बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम पूरी लाइफ के अंदर इस चीज़ को सहते हैं। सहते तो नहीं, सहते इज़ अ रॉन्ग वर्ड। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इनकलकेट करते हैं इस चीज़ को, रोज़ एवरी ईयर हम इस चीज़ को फील करते हैं, राइट, चेंज। तो क्या होता था? तो वो एक जगह हंटिंग करते थे और इसी गैदरिंग के अंदर टुगेदर खाते थे, राइट।
क्या खाते थे, लेट्स सी। उन इसी चक्कर में उनको बोला जाता था हंटिंग एंड गैदरिंग। मैम क्या एक जगह पे हंटिंग करते थे और वही गैदर करते थे? क्या मैम वही जगह के अलावा वो कहीं जाते नहीं थे? बिल्कुल जाते थे। उनको क्यों जाना पड़ता था? ठीक है, हंटिंग गैदरिंग, एक हंटर्स एंड गैदरर्स जो अर्ली मैन थे वो एक ही जगह पर रहकर क्यों नहीं खाते पीते रहते थे? रीजन बीइंग, क्योंकि हो सकता है जिस एरिया में वो रहते हों, ठीक है, वहाँ का पानी ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिस एरिया में वो रहते हों हो सकता है वहाँ के एनिमल्स ख़त्म हो जाए, राइट। तो इसी जगह पे इसी रीजन से उन हंटर्स एंड गैदरर्स को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ फूड। मतलब उनका फूड तो एनिमल्स था। इन सर्च ऑफ अदर रिसोर्सेज लाइक वाटर, इन सर्च ऑफ अदर थिंग्स जैसे कि और छोटी छोटी चीज़ें जो हम अभी पढ़ेंगे, राइट। तो मैम वो क्या खाते थे सबसे पहले ये जानते हैं, ठीक है। सो दे यूज टू ईट, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्या खाते थे, ठीक है, व्हाट दे यूज टू ईट, क्या ईट करते थे? जैसे हमने देखा वो एनिमल्स को ईट करते थे, ठीक है, एनिमल्स को कैसे ईट करते थे मैम? जिंदा नहीं, उनको हंट करके, उनको मार के उनको खाते थे। इसके अलावा, जरूरी नहीं है वो सिर्फ एनिमल्स खाते थे, इसके अलावा वो प्लांट्स खाते थे। प्लांट्स कैसे खाते थे? जैसे कि वो प्लांट्स की रूट्स खा सकते थे, राइट। कुछ ऐसी रूट्स, याद है हमने पढ़ा है, हम साइंस से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो रूट्स ही होते हैं, जो नीचे से निकलते हैं, राइट। तो वो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि ऐसे कौन से वेजिटेबल्स को हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स के, ठीक है, वो फ्रूट्स खाते थे, फ्रूट्स आपको पता ही है। कुछ के वो फ्लावर्स खाते थे, ठीक है। फ्लावर्स कैसे खा सकते हैं मैम? जैसे कि फूल मखाना। फूल मखाना क्या होता है? फ्लावर ही तो होता है, राइट, जिसको फॉक्स नट्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ नट्स खाते थे जो फ्रूट्स के, ड्राई फ्रूट्स को बोलते हैं, या फिर हम बोले कि मूंगफली, ठीक है। ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी अवेलेबल है वो एक्सप्लोर करते थे और ये सब खाते थे। लेकिन मैम यहाँ तो समझ आ गई, वो खाते थे लेकिन वो मूव क्यों करते थे, ठीक है। आपने बोला हंटर्स एंड गैदरर्स मूव करते थे रेगुलरली, ठीक है। ये कौन, ये यहाँ पे दे कौन है? यहाँ पे दे हैं हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है। हंटर्स एंड गैदरर्स क्या करते थे? हंटर्स एंड गैदरर्स दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। एक जगह उनका घर, जैसे आज हमारा घर है, एक जगह हम रहते हैं, वही हमारा एड्रेस है, राइट। कभी कभार मूव करना हो तो हम मूव कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम हर रोज मूव कर रहे हैं, अपना हर हमारा महीने घर चेंज हो रहा है, राइट। तो वो क्यों करते थे, वो क्यों मूव करते थे? इन सर्च ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इन सर्च ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा अभी तो आपको समझ आ रही है, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है कि व्हाई हंटर्स एंड गैदरर्स आर ऑलवेज ऑन द मूव, व्हाई वी कॉल हंटर्स एंड गैदरर्स, व्हाई डू वी कॉल देम हंटर्स एंड गैदरर्स। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि वो अपना फूड हंट करते थे और गैदर करके उसको खाते थे, इसलिए उनको हंटर्स एंड गैदरर्स बोला जाता था, ठीक है। और दूसरी रीजन ये भी है उनको हंटर्स एंड गैदरर्स क्यों बोलते थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ऑलवेज ऑन मूव रहते थे, ठीक है। दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसलिए हंटर्स एंड गैदरर्स दो लाइन में खत्म कर दिया हमने, बट वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस से मूव क्यों करते थे, इसके पीछे भी आपका आंसर छुपा है। चलिए देखते हैं, लेट्स जंप ऑन टू द फर्स्ट वन। फर्स्ट, इसके फोर रीजंस हैं, ठीक है। तो आंसर, अगर क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया, क्वेश्चन Why were hunters and gatherers always on move? तो इसके आंसर के हमारे पास फोर पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये फोर पॉइंट्स हम समझेंगे और इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और याद करके भी लिख सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो अगेन फर्स्ट हम यही बोलेंगे, फर्स्ट इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, बाय चांस अगर वो एक ही जगह पे रहते बहुत लंबे समय तक, ठीक है, दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट उस एरिया का। फॉर एग्जाम्पल वो इस एरिया के अंदर रह रहे हैं क्योंकि उनका जो फूड है वो एनिमल्स है, क्योंकि उनका जो फूड है वो प्लांट्स हैं, तो वो इसी एरिया के सारा खाना खा जाते, कुछ बचता ही नहीं। तो इसलिए अगर वहाँ पे चीज़ ख़त्म हो जाती है इसलिए वो आगे मूव कर जाते हैं, राइट। तो इसलिए ये आपके पास एक वो दिया, उन्होंने क्या दिया, एक
आपके पास काउंटर क्वेश्चन किया उन्होंने कि अगर वो एक ही जगह पे रहते क्या एक ही जगह का खाना और एनिमल्स और प्लांट्स खत्म नहीं हो जाते? यस, डेफिनेटली फिनिश हो जाता। तो इसलिए वो नेक्स्ट जगह पे जाते थे ताकि नया खाना मिले, नए एनिमल्स मिले जिनको वो हंट करके खा सके, राइट? तो दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। वो सारे प्लांट भी खा जाते, एनिमल भी खा जाते, तो क्या हो जाती चीजें फिनिश हो जाती। तो इसीलिए देयरफॉर, जैसा मैथ्स में देयरफॉर लिखते हैं, देयरफॉर दे वुड हैव टू हैव, दे वुड हैव हैड टू गो एनीवेयर एल्स एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो पहला रीजन क्या आ जाएगा, फूड के चक्कर में उनको जाना होता था वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और इन सर्च ऑफ फूड को आप एग्जैजरेट कर सकते हो, राइट? इन सर्च ऑफ फूड को आप एग्जैजरेट कर सकते हो। ठीक है, यह हमने बुक वाले आंसर तो किए, बट हम अपने आंसर ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, हम छोटे छोटे क्या लिखेंगे बेटा, ट्राई टू मेक नोट्स, हम नोट्स बनाएंगे। जैसे आपके भैया दीदी बनाते हैं, है ना, नींव बैच में आपके भैया दीदी हैं, उमंग बैच में आपके भैया दीदी हैं, उड़ान बैच में आपके भैया दीदी हैं, तो क्या बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो आज मैम भी आपको नोट्स बनाना सिखाएंगी। तो नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, बड़ी चीज को छोटा करना मतलब नोट्स बनाना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमने ये पूछा कि वाई हंटर्स एंड गैदरर्स, ठीक है, Why hunters and gatherers, ठीक है, मेरे साथ लिखो, एक कॉपी निकालो, जैसे मैंने कहा था एक कॉपी निकालो, मेरे साथ लिखो, why hunters and gatherers were always on move। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा और ये क्वेश्चन आ जाएगा, Why hunters and gatherers move from one place to another? ठीक है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले, अब हम नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट। अब हम यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, पर सेकेंड पॉइंट के लिए हम रीडिंग करेंगे, ठीक है, सेकेंड पॉइंट के लिए हम रीडिंग करेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे। और ये क्या बन रहे हैं हमारे, ये बन रहे हैं हमारे नोट। हम बड़ी बड़ी चीजों को सिंप्लीफाई करके छोटा लिख देंगे और इसको हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, नोट्स। ठीक है, चलो आओ सेकेंड पढ़ते हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, सेकेंड पॉइंट सेज एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो क्या होता है, हंटर्स एंड गैदरर्स का फूड क्या है, एनिमल्स का फूड क्या है, एनिमल्स का फूड है, कुछ लोग ग्रास खाते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स डियर खाते हैं, कुछ वाइल्ड एनिमल्स कैटल खाते हैं, राइट? तो हंटर्स एंड गैदरर्स का फूड एनिमल्स, एनिमल्स का फूड उनके ग्रास और वाइल्ड कैटल, या फिर हम बोले कि डियर, तो ये क्या होगी, एक साइकिल बन गई। तो अगर एनिमल्स इधर वन प्लेस टू उधर जा रहे हैं इन सर्च ऑफ फूड, तो हंटर्स गैदरर्स भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। तो जहां पे एनिमल्स जाते हैं, यहाँ पे जहां पर एनिमल्स अपने प्रे, प्रे का मतलब अपने शिकार के पीछे जाते हैं, शिकार, ठीक है, वैसे ही हंटर्स एंड गैदरर्स भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। दैट इज वाई दोज हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये इतना बड़ा मैम कैसे छोटे में करेंगे, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट होगा हमारा सबसे पहले तो इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, फॉलोइंग द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। वो इधर एक प्लेस से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, पहले फूड की सर्च में, दूसरा मूवमेंट ऑफ एन एनिमल्स के मूवमेंट पे, बिकॉज उनको एट द एंड ऑफ द डे फूड ही तो खाना है, और फूड कैसे मिलता है, एनिमल्स की
मूवमेंट, जहाँ जहाँ एनिमल जाएगा उसी को तो हंट करेंगे, तो इसलिए वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो सेटल हो जाते थे। उनका कोई घर तो नहीं होता था परमानेंट, जैसे हमारा एड्रेस है, तो इसलिए वो कहीं और जगह अपना घर बना लेते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम थ्री पॉइंट्स करेंगे, राइट। चलो पहले समझते हैं थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट एट डिफरेंट सीजन। आपको पता है बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स होते हैं जो अलग अलग सीजन में आते हैं, राइट। तो अलग अलग सीजन में अगर, ये तो देखो अर्ली मैन को इतना नहीं पता था कि कौन सा प्लांट, वो अभी एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कुछ सीजन में यहाँ पे होते एप्पल, कुछ सीजन में यहाँ पे एप्पल नहीं होते, राइट। कुछ सीजन में यहाँ पे कोई और फ्रूट होता है, या कुछ सीजन में यहाँ पे तो क्या गिर जाते हैं, यहाँ पे तो लीव्स नीचे गिर जाती हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी कि कभी कभार ट्रीज में फ्रूट्स होते हैं, कभी कभार नहीं होते, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन। उन्होंने देखा कि ये वाले सीजन में, सीजन टू सीजन, तो उन्होंने देखा कि ये वाले सीजन में फ्रूट है और ये वाले सीजन में नहीं है, तो जहाँ पे जब तक फ्रूट मिल रहा है तब तक वो वहाँ रहते थे, जब तक फ्रूट नहीं मिला तो वो कहीं और चले जाते थे। ठीक है, तो एट सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, तो दूसरे काइंड ऑफ प्लांट्स की तरफ भागते थे, जिस जहाँ पर कहीं और कुछ और फ्रूट लगा है। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, अर्ली मैन या हंटर्स एंड गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। ठीक है, थर्ड रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, रीजन क्या है, इन सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, अब एनिमल्स हो गया, देखो मेन फूड है, फूड एनिमल्स प्लांट्स, इन सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, एंड ऑल्सो मूवमेंट क्या होती थी, फ्रॉम सीजन टू सीजन, एक सीजन से दूसरे सीजन पे, जब वहां पे प्लांट्स नहीं होते थे। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट करते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है, पीपल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ठीक है, अब हमारा खाना हो गया, खाना के साथ हमें पानी भी चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, हमें क्या चाहिए, पानी। वी नीड वाटर टू सर्वाइव। सो वाटर इज फाउंड इन लेक्स, कहाँ कहाँ वाटर मिलता है, लेक्स, ओशियन, सीज, स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स क्या होती हैं, छोटी 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 जो पानी छोटी छोटी जगह पे अपना पानी छोड़ देते हैं, जैसे कि ये एक मेन रिवर चल रहा है, पानी इज कलरलेस, ओडोरलेस, ठीक है, शेपलेस, तो अपनी पानी अलग शेप बना लेता है, तो छोटी 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 नदी की स्ट्रीम बन जाती है, हल्की सी छोटी सी पानी की एक नदी जा रही है। ठीक है, एंड रिवर्स, सो व्हाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल का मतलब, ज्योग्राफी में भी और पढ़ेंगे, पेरिनियल पानी रहता है सदाबहार, ये ऐसा रिवर है जहाँ पे पानी हमेशा के लिए रहता है। ठीक है, अदर्स आर सीजनल, ठीक है, कहीं मतलब जैसे बारिश आई तो वो एक रिवर बन गया, है ना, तो सीजनल, सीजन के हिसाब से, क्योंकि बारिश सिर्फ रेनी सीजन में आती है तो वहाँ पे लेक भर गई। तो कुछ लेक्स और रिवर्स होते हैं पेरिनियल, जिसमें बहुत सारा पानी हमेशा पूरे ईयर में रहता है, और कुछ होते हैं सीजनल, जहाँ पे बारिश आती तभी पानी भरता है। तो लोग क्या करते हैं, पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स वुड हैव टू गो फॉर वाटर ड्यूरिंग द डे सीजन, विंटर एंड समर। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, पीपल लिविंग ऑन द बैंक्स वुड हैव टू गो इन सर्च ऑफ वाटर। तो इधर से वन प्लेस से दूसरी जगह मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वाटर भी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम, फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि दे यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वॉटर। ठीक है, इन सर्च ऑफ वॉटर। ठीक है, तो देखो पहले पॉइंट से ही हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, प्लांट्स। ठीक है, देखो सबसे पहला तो यही है, इन सर्च ऑफ फूड, फूड से ही तो एनिमल निकलता है, फूड से ही तो प्लांट निकलता है, यही तो दो फूड्स थे उसके, और तीसरी चीज क्या है, वाटर। बिना हम देखो कभी कम खाना खाते तो हमें पानी चाहिए होता है ना, तो विदाउट पानी तो सर्वाइवल ही नहीं है। तो ये सारा आपका आंसर क्लियर हो गया और आपने नोट्स भी बना लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब दूसरी चीज आती है कि मैम हम कैसे जानेंगे कि लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, राइट। तो कौन से लोग थे, ये तो हम बोल रहे हैं अर्ली मैंस को, हम बोल रहे हैं हंटर्स एंड गैदरर्स, लेकिन थे कौन, कैसे पता लगेगा हमें। तो जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ठीक है, जो
अर्थ के डीपर में जाके राइट अर्थ को खोद कर ये बता सकता है कि ये चीज कितने साल पुरानी है, वो कौन से व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। सो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट पीपल होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं बेटा? लिखो, अगर याद है, याद है कि नहीं, याद है तो लिखो। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? दे आर पीपल। ठीक है, कौन होते हैं? पीपल, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, जो अर्थ को डिक करके या अर्थ को डिक करके या उसकी सॉइल को डिक करके जो जो चीजें मिलती हैं, आइटम्स को स्टडी करते हैं, आइटम्स को स्टडी करते हैं और बताते हैं ये कितनी पुरानी है। ठीक है, पास्ट के बारे में बताते हैं, टेल्स अस अबाउट द पास्ट और स्टडीज अबाउट द पास्ट। ठीक है, चीजें खोदते बताते हैं ये वाली कितनी पुरानी है। तो सारा काम जो हमें आज तक पता चला है वो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने ही तो किया है। ठीक है, तो आज अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, यहाँ पे ऐसे लोग रहते थे, तो वो किसने किया? आर्कियोलॉजिस्ट ने ही तो किया, राइट। चलिए अब देखते हैं, हमने ये तो जान लिया कि वो वन प्लेस टू दूसरी प्लेस मूव क्यों करते थे। बड़े सारे रीजंस हमने देख लिए, फोर रीजन देख लिए। मेजर तो फूड था, फिर एनिमल्स, फिर प्लांट्स, सीजन टू सीजन एंड देन वाटर। ठीक है, इसके बाद हमने ये भी पता कर लिया कि आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि वो लोग कौन थे। और दूसरी चीज, हमें उनकी चीजें जब मिली तो मेन चीज हमें क्या मिली? उनके टूल्स, उनके वेपन्स। ठीक है, तो वेपन्स कैसे होते थे उनके? कुछ इस तरह, जैसे देखो ऐसे कुछ स्टोन्स मिलते थे हमें। ठीक है, ऐसे कुछ स्टोन्स, ऐसे कुछ लंबे लंबे स्टोन्स। ठीक है, ऐसे नाइफ सी मिलती थी, उन्होंने स्टोन से अपनी नाइफ बना ली थी। ऐसे वो हैमर बनाते थे स्टोन से। ठीक है, स्टोन वुड, नीचे क्या लगा रखी है? वुड लगा रखी है। ठीक है, एरो हेड छोटा सा पॉइंटेड बनाते थे और मारते थे, हंटिंग ऐसे ही करते थे ना, कितना दिमाग था उनमें। तो बेसिकली हमें उनके बारे में कैसे पता लगता है? अब हम क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे। ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हाउ डू वी नो मतलब हमें कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो मतलब कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है उनके, ठीक है, उनके टूल से। और ये हमें कौन बताते हैं? कैसे पता चलता है? ठीक है, टूल से पता लगता है। अभी और भी चीजें करेंगे, किससे पता लगता है? ठीक है, और कौन बताता है? कौन बताता है हमें? हमें बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, हमें कौन बताता है? हमें आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। ठीक है, चलिए टूल्स देख लिए। और मेजरली ये टूल्स कैसे बने होते हैं? मेजरली ये टूल्स बने होते हैं, मेजरली टूल्स बने होते हैं, क्या है ये? वुड, लकड़ से बने होते हैं। मेजरली ये टूल्स किससे बने होते हैं? वुड से बने होते हैं। मेजरली ये टूल्स किससे बने होते हैं बेटा? लिखो, वुड से बने होते हैं। तो वुड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, राइट। वुड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का, समझ आ गया? वुड से बनाते अपने, क्योंकि उनका नाम हंटर्स एंड गैदरर्स है, हंटिंग उनकी मेन चीज है, उसी से ही वो खाना खा रहे हैं, जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो वो हंटिंग कैसे करते होंगे? हाथ से तो नहीं करते होंगे, तो वो कुछ ऐसे वुड से टूल्स बनाते थे जिससे वो करते होंगे, कुछ पत्थर का इस्तेमाल भी करते थे, राइट। चलिए अब आते हैं कि वो रहते कहाँ थे। ठीक है, ये भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कहाँ पे वो रहते थे, वेयर डू दे लिव, वो रिवर के बैंक्स पे रहते थे, रिवर बैंक्स पे रहते थे। ठीक है, जहाँ पे रिसोर्सेज उनको मिल जाती थी। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है मैम? रिसोर्सेज मतलब कोई ऐसी चीजें जो आपको जीने में मदद करें। ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकता है बताओ? पानी एक रिसोर्स है। ठीक है, आप बताओ, मैं आपको तीन रिसोर्सेज बताऊंगी, आप मुझे एक एक रिसोर्स बताओ हर एक बच्चा। ठीक है, पानी एक रिसोर्स है, फूड जो प्लांट्स हैं वो एक रिसोर्स है, मान लिए एनिमल्स हमारे लिए रिसोर्स हैं।
ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताओगे और क्या क्या रिसोर्स है? छोटी मोटी चीज़ें भी रिसोर्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। एक लैपटॉप आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। एक फ़ोन आपके लिए रिसोर्स है जो आप उसमें से आप मेरी क्लास देख सकते हो या PW की क्लास देख सकते हो, राइट। तो अब हम आते हैं कि मैम वो रहते कहाँ थे। ये वाला ना आपकी बुक में बहुत प्यारा मैप दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो अर्ली मैन थे वो कहाँ रहते थे, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें मार्क करूँगी, ठीक है। तो जैसे कि भीमबेटका केव्स, वो रहते तो केव्स के अंदर थे, लेकिन ठीक है वो रहते तो केव्स के अंदर थे पर ये कहाँ स्थित हैं, ठीक है। हांगजी, कर्नूल और कुर्नूल केव्स, तो ये कुछ ऐसी केव्स थी जो बहुत ज़्यादा पुरानी, ठीक है, केव्स थी। यहाँ पे लोगों ने अभी सिर्फ हंटिंग गैदरिंग की है, शुरुआत की अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं जब वो स्टेजेस होती हैं, मैं आपको और लिख के समझाती हूँ, ठीक है, चलो, ठीक है। तो जैसे कि देखो हम हिस्ट्री में, मैं आपको थोड़ा जिस दे देती हूँ, तो देखो बेटा क्या होता है, माई डियर चैम्स, जस्ट बोर्ड पे देखना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके फाइन। तो हम बात कर रहे हैं कि मैम ये क्या होती हैं कि पहले तो वो सिर्फ यू नो हंटिंग करते थे, तो क्या वो हंटिंग एंड गैदरिंग करते रहे? तो बेटा ये अर्ली मैंस की, या हम बोले जो अर्ली ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो अर्ली ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनकी क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की। उनके ग्रोथ की क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। जैसे क्लास वन से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से सिक्स में आते हो, नेक्स्ट क्लास में सेवन्थ में जाओगे, राइट। तो आपके क्या स्टेज आप बढ़ रहे हो। तो वो कैसे बढ़ रहे थे मैम? वो ऐसे बढ़ रहे थे, देखो फर्स्ट अगर मैं आपको बोलूँ कि फर्स्ट स्टेज के अंदर, ठीक है, फर्स्ट स्टेज के अंदर उन्होंने सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग की, क्या की, हंटिंग एंड गैदरिंग की। धीरे 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 वो क्या करने लग गए, ठीक है, हंटिंग की, ठीक है, गैदरिंग की, गैदरर्स बने, ठीक है। उसके बाद वो क्या करने लगे, वो स्टोन से अपने टूल्स बनाने लग गए, स्टोन से क्या बनाने लगे, टूल्स बनाने लग गए। और जब वो टूल्स बनाने लगे, कुछ ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें आने लग गई उनकी लाइफ के अंदर, जैसे फायर आ गई, अभी फायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फायर आ गई। वो कुकिंग करने लग गए, क्या कुकिंग कर रहे थे मामी? चलो कुकिंग से पहले एक और चीज़ है, ठीक है। तो वो स्टोन से टूल्स बनाने लग गए। एक वन डे उन्होंने देखा कि ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट्स, जब उन्होंने देखा कि प्लांट्स ग्रो हो रहे एक सीड से, तो वो क्या करने लग गए, वो छोटे लेवल पे ग्रेन्स को ग्रो करने लग गए। वो ग्रेन्स को क्या करने लग गए, ग्रेन्स को ग्रो करने लग गए, ठीक है। जब ग्रेन्स को ग्रो करने लग गए, वो क्या करने लग गए, उसके बाद कुकिंग करने लग गए, इसको हम बोलेंगे फार्मिंग करने लग गए, ठीक है, क्योंकि वो टूल्स बना रहे थे ऐसे, ठीक है, वो फार्मिंग करने लग गए, कुकिंग करने लगे, फार्मिंग करने लगे। तो बेटा देखो बढ़ रहे हैं ना, पहले ये थे, फिर ये हुए, बढ़ रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं। तो ये बोला जाता है स्टेजेस, इसको बोला जाता है स्टेजेस, ठीक है। तो अगर हमें काउंट करें, ये वाली स्टेज आपकी आ जाती है स्टेज वन, जिसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक स्टेज। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक स्टेज, ठीक है, पैलियोलिथिक स्टेज, या फिर हम बोले स्टोन एज। यहाँ पे वो स्टोन से जी रहे हैं, ठीक है, बस मेहनत करके बस गैदर कर रहे हैं फूड को, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, ये वाली कौन सी स्टेज आ गई बेटा? ये वाली आ गई जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कुकिंग करने लग गए, ठीक है। कुकिंग के अलावा वो क्या करने लगे, वो फार्मिंग करने लग गए, ठीक है। तो बढ़ गए पहले से, वो पहले क्या करते थे, हंट करते थे और खाते थे, ठीक है। वो धीरे 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 एवरीडे वो इवॉल्व होने लग गए, वो बढ़ने लग गए, ग्रो होने लग गए, फार्मिंग करने लग गए, खाना कुक करने लग गए, चावल बनाने लग गए, ठीक है। तो ये वाली कौन सी आ गई स्टेज? मेसोलिथिक स्टेज। कैसे आ गई? मेसोलिथिक स्टेज, ठीक है। इसको भी इन डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप नाम याद कर लो, पैलियोलिथिक स्टेज, मेसोलिथिक स्टेज। पैलियोलिथिक मतलब बिल्कुल पहली वाली, पहली फर्स्ट स्टेज पैलियोलिथिक स्टेज, अभी डीप में कराऊंगी। मेसोलिथिक दूसरी स्टेज होती है, मेहनत की उन्होंने, मेसोलिथिक, ठीक है। मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, प से कर रहे हो पहली, याद हो जाएगा, पहली स्टेज यानी प से पैलियोलिथिक स्टेज। फिर और उन्होंने मेहनत करनी, देखो फार्मिंग में क्या लगती है, मेहनत, म से मेहनत, तो म म साउंड, ठीक है, प
पहली पैलियोलिथिक एज में से मेहनत करने लगे मेसोलिथिक स्टेज, ठीक है। यहाँ पे उनकी लाइफ में एग्रीकल्चर आ गया, यहाँ पे उनकी लाइफ में फार्मिंग आ गई, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है। यही आपके पूरे चैप्टर में समझा रखा है, मैंने आपको ऐसे समझा दिया, आप इसको और डिटेल में मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। चलें आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं। ये पूरा समझाया हुआ है, ऐसे ही समझाया हुआ है, मैंने जल्दी समझा दिया ताकि फटाफट समझ आ जाए, ठीक है। धीरे 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 जैसे बुक समझा रही है, अब ये हुआ, अब ये हुआ, फिर आपको लगता है अरे मैम मैम आप भी तो बुक की तरह समझा रहे हो, फिर आपका फायदा क्या? मेरा फायदा ये, मैंने तुम्हें जल्दी बता दिया, तुम्हें जल्दी दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है मैम, कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद एक और स्टेज आती है, ठीक है, नई स्टेज आ जाती है, न्यू हो जाते हैं, हम अच्छे बन जाते हैं, नए बन जाते हैं, वो हम आगे वाले चैप्टर में करें, कुछ तो आगे के लिए छोड़ें, राइट। चलिए, पहली स्टेज पैलियोलिथिक स्टेज, मेहनत की मेसोलिथिक स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज करेंगे, पूंसी होती है वो बाद में। अब देखते हैं बेटा वो कैसे रहना शुरू कर दिए थे। ये जो रेड वाली मैंने दिखाई, ये पैलियोलिथिक स्टेज है, पहली वाली, ठीक है। मेहनत वाली अभी करेंगे, मेहनत वाली जो है वो अभी करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब देखो वो कहाँ पे रहना शुरू हो गए, हमें कैसे पता? आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि वो रहते हैं भाई केव्स के अंदर, ठीक है। भीमबेटका एक बहुत बड़ी क्या थी, भीमबेटका एक बहुत बड़ी केव थी। आज अगर आप देखो बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, ऐसे कुछ पेंटिंग को भीमबेटका पेंटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाली पेंटिंग अर्ली मैन ने करी हुई है, तो इनको भीमबेटका पेंटिंग भी बोलते हैं। जो बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं उनको पता है ये, ठीक है, एक तरह से पेंटिंग होती है। और इन पेंटिंग्स के थ्रू हमें ये पता लगता है कि वो क्या सोच रहे थे, कि वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पे थोड़ी डांसिंग लगा दी, डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने थोड़ी हंटिंग लगा दी, हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एनिमल्स दिखा दिए, एनिमल्स पर राइड कर रहे हैं, उस टाइम टायर नहीं आया था, ठीक है, राइड कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, एनिमल्स पे बैठ के जा रहे हैं। इनके अलावा इन पेंटिंग्स में फूड के बारे में, और वो फूड कौन सा है? वो फूड है हमारा वीट, आटा, वो फूड हमारा है राइस। वो फूड में कुकिंग करते हुए दिखा रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने कुकिंग करना शुरू कर दिया था इसके बाद। तो ये चीजों से हमें, इन चीजों से पता लगता है कि वो क्या करते थे उस टाइम पे, राइट। तो डांसिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कर रहे हैं यहाँ पे वो। तो ये होती है केव्स। और आजकल के हम केव्स में जाएं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखिए ये भीमबेटका, ये सारी जगह उधर की हैं, अभी भी आज तक वहां पे केव्स प्रिजर्व्ड हैं, जो अर्ली मैन रह के जा चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आया उनकी लाइफ में? कुछ ऐसी केव्स आई, ठीक है, कुछ ऐसी केव्स आई जहां पे, जिसको मैंने आपको बोला कुरनूल, कुछ ऐसी केव्स आई जहां पे बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिली? एशेज मिली। क्या मिली? एशेज। एशेज क्या होती हैं? जब कोई चीज जला देते हो ना, इसे करना मत। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर जला दी, न्यूज़पेपर की जलाने के बाद ब्लैक ब्लैक के एशेज बच जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेपर है, ठीक है, इसको अगर हमने फायर से जला दिया, ठीक है, इसको अगर हमने जला दिया, ठीक है, इसको हमने फायर से जला दिया, तो ये जलने के बाद कैसा हो जाएगा? ये ब्राउन कलर की एशेज में बदल जाएगा, ऐसे छोटी 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 एशेज, ठीक है। तो वो होती है एशेज। तो कुछ ऐसी केव्स थी जहाँ पे एशेज मिली, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सोचा एशेज मतलब ये इनके पास फायर थी, और फायर से हम क्या कुछ नहीं कर सकते? हम अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है, हम अगर गर्मी हो तो हाथ सेक सकते हैं, हम पानी गर्म कर सकते हैं, ऐशे से कितनी सारी चीजें हो सकती हैं, सॉरी ऐशे से नहीं, फायर से। तो अगर इनके पास ऐशेज का देखने को मिला, विच मीन्स, ठीक है, विच मीन्स ये फायर को डिपिक्ट करते हैं, तो इनके पास फायर आ गई, ठीक है। और जब इनके पास फायर आ गई, फायर से हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम कुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी चीज को हीट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं। ये तीन चीजें मैंने बताई, एक एक चीज आप सब बताएंगे, एक एक चीज आप सब बताएंगे, फायर से और क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, हम फायर से पता डरा भी सकते हैं एनिमल्स को, राइट, एनिमल्स को डरा भी सकते हैं फायर से। चलो, पता क्या होता था, ये एक ऐसे टूल्स बनाते थे, देखो नीचे तो लक्कड़ होती थी, ठीक है, नीचे लक्कड़ होती थी, ऊपर ऐसे कुछ लगाते थे, कुछ पत्थर टाइप, ठीक है, उसमें लगा देते थे आग, उसमें क्या लगाते थे? आग, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका बन गया टूल।
टूल, और ये टूल क्या बन गया, एनिमल्स को डराने के लिए ये टूल बन गया, एनिमल्स को दूर रखने के लिए कि वो उनके पास ना आए। लाइट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर रात के समय उस टाइम तो बल्ब नहीं होता था ना, तो लाइट, ठीक है ठीक है। तो तीसरी चीज मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट सारी बता दी, बट फिर भी तुम बताओगे, लाइट रोशनी करने के लिए, ठीक है, रोशनी रोशनी करने के लिए, लाइट के लिए ये आग को इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक है। तो अब बात आती है, चलो थोड़ा सा रीड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। अब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने लंबे लंबे नाम दे दिए, पर मैंने तुम्हें बहुत प्यार से समझा दिया, ठीक है ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कर दिया, बहुत बहुत लंबे लंबे नाम दे दिए, ठीक है, बहुत बहुत लंबे लंबे नाम दे दिए। दे कॉल द अर्लियस्ट पीरियड पैलियोलिथिक। मैंने क्या बताया, पैलियो मतलब पहली, मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी क्या, पैलियो पेलियो लिख दिया शायद मैंने, आई रिमेम्बर, हाँ इसमें से एक ई डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा, पैलियोलिथिक, ठीक है। तो पैलियो मतलब पहली, जैसे मैंने तुम्हें समझाया अभी। चलिए, दिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, पैलियो का मतलब ओल्ड, पैलियो का मतलब ओल्ड, लिथोस का मतलब स्टोन, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था इसको स्टोन एज भी बोलते हैं। और ये पैलियोलिथिक स्टेज क्या होती है, 2 million years ago, अबाउट 1200 years ago, 12,000 साल पहले की बात है ये। इसके बाद कौन सी स्टेज आई, जब उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दिया, ठीक है, चेंज आया, इन्वायरमेंटल चेंज आया। इन्वायरमेंटल चेंज आने से क्या हुआ, ग्रासेस ग्रो होने लगी, क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है। और ये, ठीक है, बिगनिंग होती है 12,000 years या फिर 10,000 साल पुराने, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन, ये भी स्टोन से रिलेटेड होती है, लेकिन अब इनको मेहनत करके इन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी थी, ठीक है। यहाँ पे टूल्स फाउंड किए गए, छोटे 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 टूल्स जिनको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें टूल्स दिखाए जिससे वो कुकिंग कर सकते हैं, जिससे वो और चीज़ें, यू नो, और टूल्स, नाइफ बना सकते हैं, वो क्या होते हैं, माइक्रोलिथ्स। मेसोलिथिक एज, ठीक है, मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन, माइक्रोलिथ्स। और माइक्रोलिथ्स क्या करते हैं, स्टक ऑन द हैंड्स ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल, इससे वो छोटे छोटे और टूल्स बनाते हैं, ठीक है, जिसको सॉ एंड सिकल बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब आया चेंज लाइफ के अंदर, जब लाइफ के अंदर इन्वायरमेंटल चेंज आया, ठीक है, जैसे मैंने कहा था चेंज बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, और स्पेसिफिकली ये वाला चेंज कौन सा था, एनवायरमेंटल चेंज था, कौन सा था, एनवायरमेंटल चेंज, ठीक है। तो क्या होने लग गया, ग्रो, कितनी ग्रीनरी हो गई, राइट, ग्रीनरी ग्रीनरी हो गई, ग्रीनरी। और यहाँ पे क्या हो गया, ग्रासलैंड्स ग्रो होने लग गए, ग्रासलैंड्स ग्रो होने लगे। और जब ग्रासलैंड्स ग्रो होने लग गए, हर जगह हरियाली फैल गई, ठीक है, हर जगह हरियाली हो गई। तो अर्ली मैन को ऐसा लगा, तो ग्रो कैसे हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज को बहुत ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने सीड्स को देखे। जब सीड्स ग्रो होने लग गए, उनको लगा कि भाई ये वाले तो हम खाते हैं, ये जो प्लांट है ये हमारा फूड ही तो है, क्या हम इसको ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, उनको लगा ये चीज हम ग्रो कर सकते हैं, ये चीज हम खा सकते हैं। और जब उन्होंने खाना शुरू किया, उनको पता लगा कि यही तो प्लांट्स हम खाते हैं, तो उन्होंने क्या ग्रो करना शुरू कर दिया, ग्रीनरी, ग्रासलैंड ग्रो, क्या ग्रो करना शुरू कर दिया, क्रॉप सच एज वीट, बार्ले एंड राइस, ये सब उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। फायर उनके पास तो पहले से ही आ गई थी, फिर उन्होंने इस चीज को कुक करना शुरू कर दिया, उन्होंने राइस खाना शुरू कर दिए, राइट। और बेटा ये सब वो कैसे, क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, फार्मिंग करना शुरू कर दिया, फार्मिंग ही लग रही है ना, फार्मिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने, चलो मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक फिशिंग भी थी जो उन्होंने शुरू कर दी थी करनी, फिशिंग जो पहले वो नहीं करते थे,
फिशिंग करनी शुरू कर दी, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया, राइट right? ये सब चीजें उन्होंने करना शुरू कर दी थी। वो कौन सी स्टेज पर आ रहे थे? मेसोलिथिक स्टेज, मतलब मेहनत करनी शुरू कर दी थी उनने। एग्रीकल्चर में क्या होता है, क्रॉप को सो करना पड़ता है, ठीक है, वीड्स हटाने पड़ते हैं, सो करना ऐसे तो नहीं इतना सो कर रहे, बो रहे मतलब बीज ज्यादा बो कर रहे हैं, मेहनत करनी शुरू कर दी, तो मेसोलिथिक स्टेज में एंटर कर दिए। और हाथों से नहीं करेंगे, छोटी 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 माइक्रोलिथ्स स्टोन से करेंगे, ठीक है, खोदेंगे, हाथ से नहीं खोदेंगे, छोटे 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 उन्होंने टूल्स बनाना शुरू कर दिए, से खोदेंगे। तो आज वो चीजें हम कर रहे हैं जो उन्होंने की थी, लेकिन एक बड़े स्केल पे, मॉडर्न स्केल पे कर वही चीज रहे जो वो कर रहे थे, लाइक मॉडर्न स्केल पे, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा उन्होंने पॉटरी शुरू कर दी, क्योंकि ये ऐसे यूटेंसिल्स हैं, ये ऐसे यूटेंसिल्स हैं जिसके में वो खाना स्टोर करके रखेंगे, जिसमें वो खाना कुक करेंगे, या तो स्टोर करेंगे या तो कुक करेंगे। तो ये ऐसे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिए, बर्तन बनाना शुरू कर दिए। और बर्तन स्टील व्हील तो उनको नहीं पता था, तो मिट्टी के बर्तन, यानी उन्होंने क्या करनी शुरू कर दी, पॉटरी शुरू कर दी करना, पॉटरी शुरू कर दी करना, ठीक है, क्योंकि वो इसी में ही कुक कर रहे हैं, इसी में ही खाना बना रहे हैं, ठीक है, स्टोर करके रखेंगे कि कल तक खा लें, सुबह तक खा लें, अब वो हंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने अपने घर बनाना शुरू कर दिए। देखो घर कैसे है, इनको बोलते हैं पिट हाउस, क्या बोलते हैं, पिट हाउस, पिट हाउस, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया था, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, उनको हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज में अपने आप को बचाना भी हो, तो ऐसे पिट हाउस बनाना शुरू कर दिए थे जो, ठीक है, पिट हाउस क्या होते हैं, जिनकी जो एंट्रेंस होती तो ग्राउंड से, लेकिन वो अंडरग्राउंड होते हैं थोड़े, ताकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के एनिमल अटैक से बच सके, राइट। तो इसलिए वो नीचे, मतलब अंडर, हल्का सा अंडरग्राउंड रहना शुरू कर दिया उन्होंने। घर तो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इसके जो रहने का है वो नीचे होता है, तो उसको बोलते हैं पिट हाउसेस, तो वो यहाँ रहना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा जब वो पैलियोलिथिक से, पहली वाली स्टेज से मेहनत करके मेसोलिथिक में आए, तो उन्होंने थोड़ी सी फार्मिंग शुरू कर दी, टूल्स बनाना शुरू कर दिए, फिशिंग करनी शुरू कर दी, बर्तन बनाना शुरू कर दिए, पॉटरी कर दी, तो एक तरह से क्या आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। एक और चीज मैप में दिखाते हैं आपको, ये रहा मैप, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है, ठीके? चलो अब ये वाली देखो जगह, रेड वाली पैलियोलिथिक, ग्रीन वाली ये वाली साउथ इंडिया, ठीक है, ऊपर नहीं है, साउथ इंडिया, ब्रह्मगिरी अधिचरपुलर, ब्रह्मगिरी अधिचरपुलर, यहां पे वो पैलियोलिथिक से दूसरी स्टेज में आते, जहां पे वो फार्मिंग कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे वो फार्मिंग कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। देखो अब जब वो इतना करना शुरू कर दिया, ठीक है, ग्रो करना शुरू कर दिया, ग्रोइंग फूड, अब वो फूड को हंट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हंट नहीं कर रहे, हंट भी कर रहे, ग्रो भी कर रहे, और इसी को ही खाएंगे। इसके अलावा वो तीसरी स्टेज पे जाना शुरू कर दिया, तो मैम आपने कहा था नेक्स्ट चैप्टर में बताओगे, बट मेरे को होता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूँ, ठीक है, तो एक तीसरी स्टेज में जाना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं, ये इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये होगी हमारी पहली स्टेज, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेहनत करके फार्मिंग करके दूसरी स्टेज पे पहुंच गए मेसोलिथिक। अब एक नई स्टेज आ रही थी उनके आगे, एक नई स्टेज आ रही थी जहां पे वो, ठीक है, एक नई स्टेज आ रही थी उनके आगे, ठीक है, एक तीसरी स्टेज आ रही थी उनके आगे, बेसिकली मेहनत करके आगे बढ़ गए, तो मैं बोलूंगी एक न्यू स्टेज आ रही थी, ठीक है, न्यू स्टेज, ठीक है, एक न्यू स्टेज उनके आगे आ रही थी। न्यू स्टेज में वो क्या कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे, ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स को, ग्रो कर रहे थे क्रॉप्स को, जीने का तरीका, ठीक है, न्यू वे ऑफ लाइफ, ठीक है,
उनके हाउसिंग चेंज हो रहे थे, हाउसिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे थे, घर बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब वो इतने ज़्यादा हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं थे, वो हंटिंग एंड गैदरर्स नहीं थे। हंटर्स एंड गैदरर्स की एक और चीज़ है ना कि वो क्या करते थे, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये नहीं करते थे। और एक और चीज हमने हंटिंग एंड गैदरिंग से शुरू करती है पूरे चैप्टर में कि मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। वो ये भी नहीं करते थे क्योंकि अब वो सेटल होना शुरू हो गए थे। सेटलमेंट मतलब एक जगह में रहना शुरू हो गए थे, सेटल होने शुरू हो गए थे। इसको हम आगे वाले चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, ठीक है, आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको और डिटेल में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो मैम ये बताओ ना जल्दी से, ये स्टेज कौन सी है? तो ये वाली स्टेज आपकी कौन सी हुई, ये नई स्टेज थी, तो इसको बोलेंगे नियोलिथिक स्टेज। नियोलिथिक स्टेज मतलब न न न न्यू, ठीक है। तो नियोलिथिक स्टेज, पैलियोलिथिक स्टेज पहली वाली, मेसोलिथिक में महना शुरू हो गई थी तो मेसोलिथिक, और ये नेक्स्ट क्या थी, नियोलिथिक। और इन तीनों चीजों में, तीनों स्टेज में एक चीज कॉमन है, स्टोन। इसको स्टोन एज बोलते थे, हर चीज में स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि स्टोन से ही सारी चीजें करते थे, ठीक है। अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो मैम नियोलिथिक में ऐसा नया क्या था, नया ये था कि वो सेटल होना शुरू हो गए थे। कौन सा कलर लें, पिंक ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। तो मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है, ठीक है, यहाँ पे दिस तो कम्स इन पाकिस्तान, ठीक है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर, नॉट जम्मू कश्मीर में अभी देखी जाती है, बुरजाहोम, ठीक है, फिर हलूर, मेजर मेजर जो आपके बुक के अंदर है महागढ़, ठीक है, ये वाली, लेकिन जो मेजर मेजर है वो यही है, मेहरगढ़, ठीक है, और बुरजाहोम। बुरजाहोम, मेहरगढ़, ये दो हमारी बुक में लिखी है, हम ज्यादा क्यों पढ़े, है ना। तो ये दो ऐसी स्टेज है जहाँ पे न्यू स्टेज अकर हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे सेटलमेंट देखी गई थी, यहाँ पे उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। कैसे पता चला मैम वो रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसे हाउसेस दिखना शुरू हो गए थे, जैसे हम हाउसेस में रहते हैं कुछ स्क्वायर कुछ रेक्टेंगल, पिट हाउस में तो नहीं रहते ना, तो ऐसे ही कुछ कंपार्टमेंट वाले स्क्वायर, या हम बोले रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल घर देखना शुरू हो गए थे। रेक्टेंगल घर मतलब एक कंपार्टमेंट में वो रहते थे, जैसे कि हमारे रूम्स होते हैं, किचन होती है, बाथरूम होता है, ऐसे ही एक जगह वो रहते थे, एक जगह अपना खाना स्टोर करते थे, एक जगह वो अपने एनिमल्स को रखते थे, ऐसे घर देखने शुरू हो गए थे। अब वो केव्स में पेट हाउसेस में नहीं रहते थे, नियोलिथिक एज में न्यू शुरुआत हो गई थी जहाँ पे वो रहना शुरू कर दिया था। तो मेहरगढ़ के हाउसेस, ये मेहरगढ़ है एक तरह से, मेहरगढ़ के हाउसेस रेक्टेंगल शुरू हो गए थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने दिमाग लगाया कि ये वाली स्टेज आगे बढ़ चुकी है, ठीक है, इसको हम नई स्टेज बोलेंगे, ठीक है। विद दिस चिल्ड्रन हमने तीन स्टेजेस पढ़ ली, और तीन स्टेजेस के अंदर क्या क्या हुआ, हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड, ग्रोइंग फूड से आगे क्या बन गए, वो न्यू स्टेज पर चले गए। सो पैलियोलिथिक पहली स्टेज, मेसोलिथिक मेहनत वाली स्टेज, नियोलिथिक नई स्टेज पे पहुंच गए, तीनों स्टेजेस की। इन तीनों में कॉमन क्या था, स्टोन्स, स्टोन्स बहुत कॉमन थे क्योंकि स्टोन से ही तो उनकी चलती थी चीजें, ठीक है, टूल्स बनाने हो, टूल्स के अलावा पॉटरी करनी हो, कुछ काटना हो, हंट करना हो, सारी चीजों में स्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि स्टोन से टूल्स बनते थे, राइट। ऑल राइट माय डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने अब चैप्टर खत्म किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मैम ये सेटलमेंट स्टार्ट कैसे हुई, मेहरगढ़ से तो स्टार्ट हुई, और क्या क्या करना शुरू कर दिया था उन्होंने, ये जरूर पढ़ेंगे, राइट। बाय बाय चिल्ड्रेन, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू लेक्चर।